वार्ड नंबर 53 तंतुरा बालाजीपुरम के पार्षद के चुनाव रोचक होते जा रहे हैं। यहां पार्टियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन लोग मुकाबला भाजपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी में देख रहे हैं। हमारी टीम जब क्षेत्र में पहुंची तो निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्री ठेनुआ के पति राकेश ठेनुआ क्षेत्र में लोगों के घर जाकर मतदाताओं से वोट मांगते नजर आए। हालांकि राजेश ठेनुआ ने पूर्व में प्रधानी के चुनाव में भी अपनी पत्नी को उतारा था, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस बार पार्षद के चुनाव में जीत पाने के लिए घर घर जाकर दरवाजा खटखटा रहे हैं। राकेश ठेनुआ का मानना है कि उनका मुकाबला भाजपा से है, क्योंकि वे पिछली बार भाजपा से ही हारे थे। इस बार क्षेत्र के लोग भी पिछली हार के बाद इस बार सहानुभूति रख रहे हैं। यही कारण है कि तंतुरा क्षेत्र के राजवन में लोगों ने राकेश ठेनुआ को समर्थन देते हुए स्वागत समारोह आयोजित किया, जहां उन्हें और उनकी पत्नी के स्वागत सत्कार का क्रम लगातार जारी रहा। राकेश ठेनुआ ने पैर छूकर और गले लगाकर समर्थन मांगा, तो वहीं उनकी पत्नी ने सभी के आगे अपनी झोली फैलाई। राकेश ठेनुआ के अनुसार चुनाव मैदान में वे नहीं बल्कि जनता खड़ी है। आप देखा कि हमने घर घर जाकर अब लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ रुख लगता है इस बार? आप पहले प्रधानी के चुनाव थे और अब पार्षद के चुनाव हैं, और इस बार भी आप जमकर मेहनत कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है, क्या हवा कह रही है वार्ड की? जनता ने मेरे को पहले भी भरपूर प्रयास से वोट दी थी और आज भी मुझे जनता से 90% वोट मिलेगा जी। मुख्य समस्या क्या है यहाँ की जो जिसकी मांग कर रही जनता? मुख्य समस्या नाली है, रोड है, लाइट है, बैंक की सुविधा नहीं है और कई सारी सुविधा। जीतने के बाद क्या करेंगे, क्या कुछ सोच रखा है? मैंने जीतने से पहले भी 5 रोड बालाजीपुर में बनवाए, इंटरलॉकिंग जी, कई जगह से प्रयास करके लाया, और जीतने के बाद में बालाजीपुर में 100 में से 90% तो विकास करा के रखा, 100% की गणना फिर भी थोड़ा वक्त रहता है। तो वार्ड में तो भाजपा और आपकी टक्कर मानी जा रही है, क्या कुछ लग रहा है? भाजपा का कहीं निशान नहीं, टक्कर लोग बहुत पीछे आएगी, टक्कर लोकदल से रहेगी मेरी। अच्छा, पब्लिक क्या कह रही है? पब्लिक का मत कुछ रुझान देखा आप घर घर जा रहे हैं? पब्लिक का पूरा रुझान मेरे साथ ही है और इतना प्रेम मिल रहा है, हर लोग मेरे लिए हर तरह से मदद कर रहे हैं। इसमें हमें सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हमारे उम्मीदवार जो धनुआ जी हैं, मुझे ऐसे आभास हो रहा है कि जीत उन्हें की होगी। राकेश ठेनुआ, राकेश ठेनुआ, राकेश ठेनुआ। इतने से आप सभी लोगों का इनको प्यार मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब मोहरें उठते हुए सूरज पर ही लगनी चाहिए और लगेंगे। पहली बात तो ये है कि ज्यादातर वोट जितने जिनके वोटर लिस्ट में शामिल हैं, माताएं बहने और पुरुषजन, तो बड़ी संख्या में भाग लें। और दूसरा, जैसा मैंने पहले कह चुका हूँ कि सब वोट हमारी दोनों कॉलोनियों के और बाकी जगह भी प्रचार कर रहे हैं, उस जगह के भी, खास करके हमारे 2-3 जो पड़ोस की कॉलोनी है उनके मैक्सिमम, बल्कि मैं कहूंगा कि 100% वोट इसी सूरज में पड़ना चाहिए। पहले उसके बांधी जाती है कि उसके सारे जिम्मेदारी समाज की हो या परिवार की हो, तो उस जिम्मेदारी को कैसे निभाएगा? तो ये आपके बीच में जो आज बहुत के लिए भेंट दे रहा हूँ सवाना में से, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है प्रकाश, आप मुझे एक शहर करोगे तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि मैं किसी लायक सुनवा हूँ। जिंदगी भर में आपके साथ करने से तुलना मिला के चलता रहा हूँ, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सौ परसेंट की गणना हो सकता है, थोड़ी बहुत कभी भी रह जाए, चेक भगवान पर ही थोड़ी बहुत रह जाती है। मैं बहुत इतने नाम के इंसान हूँ, 5 साल में
बहुत लंबी होती है, अगर कोशिश करे आदमी तो कोई नाली सड़क या कोई ऐसी छोटी मोटी समस्या नहीं छोड़ेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 5 साल में आपको एक कच्ची रास्ता नहीं, ना नाली नहीं, ना पोखरा पोखर का विकास, मैं हर तरह से प्रयास करके आपको विकास दे दिया। क्या कुछ उम्मीद करते हैं आप प्रधानी की नहीं आप पार्षद के रूप में? उम्मीद है कि जीत जाए तो हमारे रोड तो बन जाएंगे जी, रोड पड़े हैं हमारे कैसे खुदे हुए। अच्छा। और नाली देख रहे हो कैसी भरी हुई है जी, बिल्कुल। अब नाली का पानी थोड़ा और कट जाए तो यहीं आ जाएगा रोड पे। तो आपका पार्षद कैसा हो? नहीं? कैसा हुआ आपका पार्षद? काम करने वाला होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, बिल्कुल। तो इस बार पुराने भी जो पिछले प्रधान चुनाव में उतरे थे, इस बार फिर उतरे पार्षद के रूप में प्रत्याशी? तो नसीब की बात है, जिसकी जो नसीब में होगा वही होगा, और जो वर्किंग करके देगा वही जीत पाएगा, वही जीत पाएगा। वकील साहब, आज आपके वार्ड में चुनाव चल रहे हैं पार्षद के रूप में, पहले प्रधानी के चलते थे, क्या कुछ उम्मीद करते हैं आप अपने पार्षद से? पार्षद से उम्मीद है, जो प्रधानी का स्तर वो थोड़ा सा नीचे लेवल का था, पार्षदी का चुनाव है पहली बार है मथुरा में, बहुत अच्छा चुनाव है, और इस बार पार्षद से उम्मीद ये है कि वो प्रधानी के रूप में इस पार्षद चुनाव को ना देखते हुए मथुरा नगर निगम में है तो थोड़ा सा विकास ज़्यादा करेगा, क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमारा प्रधानी का जो क्षेत्र है वो तो सीमित ही है यहाँ का। जी, टक्कर किसकी मान रहे हैं आप? टक्कर केवल 2 लोगों में है, ठेनुआ जी का थोड़ा प्लस पॉइंट चल रहा है ज़्यादा से, और हारे हुए प्रत्याशी हैं और इस बार निर्दलीय हैं, तो जनता पार्टी और वोट न करते हुए व्यक्तिगत रूप से वोट करेगी ठेनुआ जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।